अंतिम एक सत्र होगा, ये हमारा वोटर अकाउंट के लिए या जितने भी जो फाइनेंशियल जितने भी जो कार्य बाकी है इसको शायद करेंगे। मैं आज आप सबके मैं कुछ कहना चाहूंगा और वो है हमारा जस्ट जो कल का जो हमारा सिटीजन अमेंडमेंट बिल के विषय में, हमारा जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, हमारे जितने भी पूर्वोत्तर के जितने भी सांसद थे हम वहां गए, जब हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसको मुद्दा उठाया और बिल पास करने के लिए पेश किया तो हमने सब उसका खिलाफ हमने आवाज दिया। आवाज हमारे जो अध्यक्षा थी उन्होंने इसको आवाज को उठने नहीं दिया, उन्होंने सीधा उन्होंने नाकार किया, हमको बोलने का मौका भी नहीं दिया। हम सब वेल तक भी गए और बोला कि हमको एक मौका देना चाहिए ताकि हम इसके खिलाफ हम जाएं। अब हमने सबने हमने सब एक एकत्रित होकर आवाज उठाया कि जितने भी पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर त्रिपुरा में तो वहां फायरिंग तक भी हो गया, सब जगह बंद हुआ, पूरा यातायात सबका तरफ से वो बंद हुआ, हमारा वहां इनफैक्ट जो कानून व्यवस्था वो पूरा बिगड़ गया और वहां के हमारे जितना भी यूएन नेता है वो सब बाहर आए और अपना जो दिल की जो बात है सबने उन्हें चाहे प्रेस में हो मीडिया में हो सबने उसमें उतार के बोला कि ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है ये इवन जो आसाम एकॉर्ड हो या नागा एकॉर्ड का खिलाफ में भी ये है और हमारे जो पूर्वोत्तर के जितने भी बसने वाले हैं नागरिक उन सब के ये खिलाफ है। हमारा वहां जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां हमारा स्पेशली खासतौर अरुणाचल प्रदेश में हमारा वहां एक बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन होता है 1873 में एक कानून बनाया गया था कि बाहर के लोगों को वहां बसने का किसी का हक नहीं होता है और सिर्फ जो वहां के जो जनजाति है उन्हीं का हक होता है उनका वहां का जमीन का हकदार बनने का। तो यही हिसाब को मुद्दे को लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में बहुत इसका विरोध किया और सारा पूर्वोत्तर में इसका काफी लोगों को हमने देखा है, काफी हमने मीडिया सोशल मीडिया में भी देखा है कि वहां गाड़ियां काफी जल गए, गाड़ियां काफी तोड़ दिए हैं, वहां का कानून व्यवस्था पूरा बिगाड़ दिया है, सिर्फ यही कहने के लिए कि जो हमारा यहाँ भारत में हमारा पास ऑलरेडी 135 करोड़ आबादी है तो इतना आबादी होते हुए हमको क्यों फिरंगियों या क्यों हम विदेशियों को हम यहाँ हम निमंत्रण दें? दिस कैनॉट बी कम यू नो काइंड ऑफ रेफ्यूजीज यू नो काइंड ऑफ हॉल्टिंग प्लेस, इट कैनॉट बी जस्ट डस्टबिन। यहाँ डस्टबिन हम लोग नहीं चाहिए हमको, कैसा पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का या बांग्लादेश का, बांग्लादेश का समस्या तो सबसे ज्यादा हमारा वहां, हमारा जो चाकमा और हजाउंस का जो इश्यू है ये अभी कम से कम 30-40 साल से ये चल रहा है, इसमें हम कितने लोग अपने जान गंवाए, कितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए हमने कहा कि नहीं, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल जो है इसके पूरा हमारा जो अरुणाचल के लोग नहीं सिर्फ बल्कि पूरा पूर्वोत्तर के लोग, इनफैक्ट इवन कॉन्रेड संगमा जी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने कहा कि हमने अपना जो समर्थन है उसको वापिस लेंगे, एजीपी जो है वो ऑलरेडी समर्थन वापिस ले लिया असम सरकार से। तो इसको देखते हुए हमने इवन आवाज भी उठाया, राजनाथ सिंह जी को भी हमने चिल्ला के बोला कि हमारे जो गृह मंत्री है श्री किरेन रिजिजू जो उनके भी इसमें असर पड़ सकता है और जितने भी वहां के हमारे सांसद है आसाम के सांसद है उन पे भी असर पड़ सकता है, लेकिन इसमें कोई हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए हमारा खारगे साहब ने उठ के बोला कि हम इसके विरोध है, हम जो सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है हमारा कांग्रेस पार्टी और हमने उसका वॉकआउट किया। अभी क्या निर्णय लिया है सरकार ने और किस प्रकार से इसका प्रावधान आप रखेंगे इसमें का, हमारा क्लॉज 5 और क्लॉज 6 में पूरा दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि क्लॉज 5 में जिस प्रकार से एक कट ऑफ ईयर होता है या किस प्रकार से उसको एक कट ऑफ होना चाहिए कि कौन नागरिक है कौन नागरिक, किस प्रकार से आप तब तो मुसलमानों के लिए आपके लिए एक अलग से एजेंडा लिया गया है, ईसाइयों के लिए अलग से एजेंडा लिया गया और हिंदुओं के लिए अलग से एजेंडा। तो इसमें हम इसको जब सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं इसमें ये कहां सेक्युलर आ जाता है, तो इसलिए हम पूरा इसके खिलाफ है, हम इसको इसका निंदा करते हैं। हमारा जो कांग्रेस पार्टी ने इसका वॉकआउट किया है और अगर इसको एक राजनीतिक जुमला के रूप में आप
कर रहे हैं ये एक बहुत गलत निर्णय लेगा जो भविष्य में हमारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये एक बहुत खराब मैसेज जा रहा है। इनफैक्ट ऐसा हमको लग रहा है कि हमारे साथ एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है, हमको आप कट ऑफ करना चाहता है। कल तो मैं सदन में बोल दिया था कि व्हाई आर यू ट्राइंग टू यू नो कट ऑफ अस फ्रॉम द कंट्री, डू यू वांट टू कट अस फ्रॉम द चिकन नेक। चाइना तो ऐसे भी हमको देख रहे हैं, म्यांमार ऐसे भी हमारा साथी है, क्या आप वही चाहते हैं क्या? डू यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम द कंट्री? वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू स्टे इन द कंट्री, वी ऑलवेज गो विद अवर जय हिंद, भारत माता की जय भी से। सो व्हाई आर वी बीइंग डिनाउंस्ड, व्हाई आर वी बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड? तो ये हमारा आवाज है, हमने आवाज पार्लियामेंट में उठाया, वो आवाज की सुनवाई नहीं हुई, अभी हम जनता के पास भी हमारा आवाज पहुंचा रहे हैं। अगर आप मानते हैं तो हमका समर्थन कीजिए, नहीं होगा तब तो वेल द स्टेक ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेरी बैड इन ए वेरी क्रूशियल कंडीशन। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से विदेशियां यहाँ आएंगे, वहां बसेंगे, वहां नागरिक बन जाएंगे, फिर हम जो कैमल एंड जो हमारा वहां जो कैमल एंड अरब वाला कहानी आ जाएगा, अरब आ जाए, अरब ने कैमल को सिर्फ सिर घुसाने के लिए एक टाइम दिया, थोड़ा सा वक्त दिया, उसने पूरा अपना बॉडी डाल दिया और उसका जो एकदम जो अरब था वही बाहर निकल गया। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ द अरब एंड द कैमल एंड दैट सिचुएशन इज गोइंग टू कम टू द नॉर्थ ईस्ट एंड वी प्रे टू गॉड दैट दिस शुड नॉट कम एंड आई होप that the legislators of that area of the northeast be with us. It's not a question of Congress or BJP or NCP or NPP. It's a question of the survival of the northeast. Thank you. Jai Hind.